हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हमारा सेकेंड लास्ट टॉपिक है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, और इसी के साथ में हमारी जो मोस्ट वांटेड सीरीज है उसके एकदम लास्ट पड़ाव पे हम लोग पहुंच गए हैं। माइक्रोब्स के बारे में अगर हम बात करें तो आप जानते हैं बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई वगैरह जो है वो ह्यूमन के लिए बहुत तरीके से, हम बोलते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत तरीके से लाभदायक होते हैं। तो देखिए, हम उन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे पूरे इस चैप्टर के अंदर, यही सब चीज़ें आपको दी गई है। तो माइक्रोब्स के बारे में जब हम स्टार्ट करें तो उससे पहले मैं आपसे बात करना चाहूंगी, चलिए माइक्रोब्स के बारे में बात करें तो देखिए बैक्टीरिया के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है, हम लोगों ने सेकंड चैप्टर जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किया था उसमें हम लोगों ने इसके बारे में ज्यादातर डिस्कस किया। आप जानते हैं बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं, कुछ बेसिलस बैक्टीरियाज होते हैं जो आपको मालूम है किस तरह के नजर आते हैं, इस तरह से रोड शेप होते हैं, कुछ हम बोलते हैं कि कोकस शेप में यानी कि राउंड शेप में होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो फ्लैजिलेटेड होते हैं, है ना, जिनमें फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। कई तरह के बैक्टीरियाज के बारे में देखा और पढ़ा है हम लोगों ने। वैसे हमने वायरसेस के बारे में भी अगर देखे तो हमने बैक्टीरियोफेज जो है, बैक्टीरियोफेज के बारे में भी हमने पढ़ा है। आप जानते हैं बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं, बैक्टीरियोफेज वो वायरस है जो बैक्टीरिया के ऊपर क्या करते हैं, अपने रिप्रोडक्शन के लिए उस पर अटैक करते हैं, अपना मल्टीप्लीकेशन करते हैं, बैक्टीरियोफेज। और इसी के साथ में अगर हम बात करें फंजाई के बारे में तो आप जानते हैं कि फंजाई जो है हिटरोट्रॉफिक होती है, हम बोलते हैं कि वो जो है अपना फूड खुद से नहीं बना रही है, बट फंजाई भी कुछ सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहती है जैसे लाइकेंस के साथ में या फिर माइकोराइजा फॉर्म करती है। इन सब का ह्यूमन के लिए किस तरीके से इंपॉर्टेंस होती है, ये किस तरीके से हेल्पफुल रहते हैं। तो वैसे तो हमने पूरा चैप्टर को इसको छोड़ दीजिए माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर को इसको छोड़ दीजिए, हम लोगों ने जो 11th एंड 12th के सारे टॉपिक्स किए वहाँ पे कहाँ कहाँ आप लोगों ने कुछ बैक्टीरियाज एंड वायरस के बारे में पढ़ा जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, या फंजाई के बारे में। जैसे स्टार्ट करते हैं कि बैक्टीरियाज के बारे में, आप जानते हैं जब हम लोगों ने बैक्टीरियाज पढ़े तो वहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जैसे कि लैक्टोबैसिलस जो क्या करते हैं, मिल्क को कर्ड के अंदर क्या कर देते हैं, कन्वर्ट करते हैं, हाँ राइट, लैक्टिक एसिड जो है वो फॉर्म करते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने बैसिलस थ्रेंजिनेसिस, हमने इसके लिए पढ़ा कि बैसिलस थ्रेंजिनेसिस जो होते हैं वो में रेसिस्टेंसी होती है, वो इंसेक्ट्स जो होते हैं उनको किल कर सकते हैं, तो हमने उसको यूज किया बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। हमने बीटी, हमने कुछ क्रॉप्स हैं उनको डेवलप किया जैसे बीटी कॉटन, बीटी मेज, इन सबको हमने डेवलप किया जिससे उनमें रेसिस्टेंसी आ गई। तो ये बैक्टीरियाज ही हैं जो कि ह्यूमन वेलफेयर के लिए काम में आए, बट इनडायरेक्टली काम में आए, बायोटेक के थ्रू हमने उसको काम में लिया, हमने रेसिस्टेंट वेराइटीज डेवलप की हमारी इंपॉर्टेंट क्रॉप्स की, राइट। तो बैसिलस थ्रेंजिनेसिस के बारे में हमने पढ़ा है। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो कुछ बैक्टीरियाज जो होते हैं उनके प्लाज्मिड जो होते हैं वो एज ए वेक्टर हम बायोटेक के अंदर यूज में लेते हैं, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, जीन को ट्रांसफर करते हैं एक, हम बोलते हैं कि हमारे डोनर ऑर्गेनिज्म से हमारे जो भी एक्सेप्टर ऑर्गेनिज्म होता है जिसके अंदर हमें चेंज लेके आने होते हैं उसमें, तो एज ए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में वेक्टर के फॉर्म में हम इन्हीं बैक्टीरियाज, ये जो हमारे माइक्रोब्स हैं, इनके एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जो हमारा डीएनए होता है उसको हम यूज में लेते हैं, राइट। तो ये ह्यूमन वेलफेयर के तो हुआ, बायोटेक के अंदर कुछ काम किए गए लेकिन उसमें हमने इसको यूज किया। अब आप जानते हैं कि जैसे हमने वो आप लोगों ने टेक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के बारे में पढ़ा, वो हम कहां से लेते हैं, टेक डीएनए पॉलीमरेज वो हम थायोवेस हम लोग लेते हैं ना उसको, कि टेक डीएनए को कि हमने वो थायोबैसिलस एक्विटिकस जो होता है थ्री, उससे हम लोग क्या करते हैं इसको प्राप्त करते हैं। अब वो एक्चुअल में क्या होता है, वो जो डीएनए पॉलीमरेज है एंजाइम वो 100 डिग्री सेल्सियस यानी कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे भी सर जो है वो डीनेचुरेशन उसका नहीं होता, इसी वजह से हम उसको पीसीआर में यूज करते हैं। तो वो भी हमारा ही तो ह्यूमन वेलफेयर के लिए तो हुआ क्योंकि हमें पीसीआर टेक्निक यूज करनी होती है बायोटेक में, तो वहां पे भी देखिए बैक्टीरियाज का यूज में आ रहा है। नॉर्मली हमने फर्मेंटेशन के बारे में इतनी बार पढ़ा है, आप जानते हैं कि फर्मेंटेशन होता क्या है, फर्मेंटेशन एक्चुअल में हम बोलते हैं कि जो शुगर होती है वो शुगर जो है उसको कन्वर्ट किया जाता है किसके अंदर, अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज फर्मेंटेशन, जो कि एक नेचुरल प्रोसेस है। नॉर्मली पहले ऐसा होता था कि वो नेचुरल फर्मेंटेशन जब हम लोग देखते हैं तो हमें मालूम नहीं था कि वो माइक्रोब्स के थ्रू हो रहा है, बाद में हमें पता चला वो माइक्रोब्स के थ्रू हो रहा है, तो हमने बड़े बड़े हमने फर्मेंटर्स लगा लिए जहां पे हमें ये फर्मेंटेशन हम करवा के हम क्या करते हैं हमारे अल्कोहल, बियर, वाइन ये जो है इनको बनाते हैं, और वैसे हम ये बायो रिएक्टर्स जो लगाते हैं जिसके अंदर हम ये फर्मेंटेशन के थ्रू हम क्या करते हैं हमारे यूजफुल प्रोडक्ट्स को प्राप्त करते हैं।
वो बायोटेक का हमारा एक अनदर यूज है। तो ये सब चीजें हम पढ़ के आए हैं, हम लोगों ने कई जगह हमने जैसे फंजाई है, फंजाई के बारे में हमने पढ़ा था लाइकेंस में। लाइकेंस आप जानते हो कि लाइकेंस जो होते हैं वो क्या है, वो पोल्यूशन इंडिकेटर होते हैं, हमारे लिए हेल्पफुल है कि नहीं है। लाइकेंस सक्सेशन करते हैं, इकोलॉजिकल सक्सेशन करते हैं, आप जानते हैं कि एक एनवायरमेंटल एक इकोलॉजिकल हैबिटेट जो उसको चेंज कर देते हैं दूसरे इकोलॉजिकल हैबिटेट के अंदर। तो लाइकेन वहां पे क्या है, वहां पे सक्सेसर की तरह काम कर रहे हैं, सक्सेशन जो सक्सेशन प्रोसेस है उसको करवा रहे हैं, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं लाइकेंस को प्राइमरी सक्सेशन जो होता है उसके अंदर वो मेन है, और वो एक्चुअल में लाइकेंस होते क्या एसोसिएशन है किसका, वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है एल्गियन फंजाई का। तो फंजाई वहां पे क्या हो रही है, हमारे हेल्पफुल है कि नहीं है। इसी के साथ में अगर हम देखें माइकोराइजा, माइकोराइजा क्या करता है, माइकोराइजा एक्चुअल में फंगल एसोसिएशन है विद द प्लांट, वो क्या करता है, वो प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में रोल प्ले कर रहा होता है। साइनोबैक्टीरियाज को अगर आप देखोगे तो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम कर रहे हैं, सॉइल के अंदर नाइट्रोजन की क्वांटिटी को इंक्रीज कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होता है जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है। तो हम लेग्यूम्स प्लांट में नेचुरली साइनोबैक्टीरिया इस तरह का काम करते हैं, बोलते हैं कि लेग्यूमिनेसी जो फैमिली की जो क्रॉप्स होती है उनको जब हम ग्रो करते हैं तो वहां पे उस सॉइल के अंदर फर्टिलाइज्ड वो ज्यादा हो जाती है, वहां पे नाइट्रोजन जो है उसकी क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है। तो हम चाहे तो क्या कर सकते हैं, हमारे क्रॉप के जो हम बोलते हैं सीरीज होती है उसको चेंज कर सकते हैं कि हमने एक लेग्यूमिनेसी फैमिली की जो क्रॉप है उसको ग्रो किया, देन जब न्यूट्रिटिव कंटेंट वहां बढ़ गए, नाइट्रोजन जो है वहां पे बढ़ गया, तो हमने सेकंड राउंड के अंदर दूसरी क्रॉप को जो है ना उसको डेवलप करवा दिया वहां पे, देन हमने तीसरे राउंड के अंदर फिर वापस से लेग्यूमिनेसी फैमिली जो है उसको हमने क्या किया वहां पे क्रॉप को जो लगाया। इस तरह से हमें क्या मिल रही है, हमें अच्छी क्रॉप मिल रही है, और क्रॉप के खुद के डेवलपमेंट के लिए हमें नाइट्रोजन मिल रहा है। तो यहां पर भी कौन रोल प्ले किया, साइनोबैक्टीरिया ने रोल प्ले किया। तो बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया, माइक्रोब्स के बारे में हम हर चीज में पढ़ते हैं। आप जानते हैं बायोगैस के बारे में कि बायोगैस जो है उसका फॉर्मेशन जो होता है वो किसके थ्रू होता है, मिथेनोजन बैक्टीरिया के थ्रू होता है, ये क्या है, ये माइक्रोब्स ही तो है। तो माइक्रोब्स का ह्यूमन वेलफेयर के लिए क्या क्या यूज हो सकता है, नेचुरली मेडिसिन के अंदर, हम अगर हम देखें इंडस्ट्रीज के अंदर, इसके साथ में हम लोग देखेंगे ये किस तरीके से हमारे जो सीवेज का पानी होता है उसको कैसे हम प्योर करने में, साफ करने में यूज में आता है, कैसे उस इसके साथ में हम कैसे फर्टिलिटी जो होती है उसको इंक्रीज करने के अंदर ये माइक्रोब्स काम में आते हैं। तो वो सारी डिटेल स्टडी जो है वो आज के हमारे इस टॉपिक के अंदर हम करने वाले हैं। तो वो कुछ चैप्टर्स में हमने जहां जहां माइक्रोब्स के बारे में पढ़ा, मैंने आपको वो एक रिमाइंडर दिया था उस चीज के बारे में, बट अभी हम लोग हमारे एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या क्या चीजें हमें दी गई है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आ जाते हैं हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स के अंदर। अब हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में क्या आ जाता है, देखिए सबसे पहले वही है, कर्ड है। कर्ड जो होता है वो डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। कर्ड जो है हम लोग अगर हमारे जो गट के अंदर जितने और अनदर जो माइक्रोब्स होते हैं उनको किल करने के अंदर भी रोल जो है वो प्ले करते हैं, ठीक है। हमारा डाइजेशन जो है वो बहुत अच्छा कर देते हैं। इसी के साथ में हम ये बोल रहे हैं कि ये हमारे विटामिन B12 जो होता है, विटामिन साइनोकोबालामिन, तो वो जो है उसको इंक्रीज कर देते हैं, उसको इंक्रीज करते हैं, तो वो भी हमारे लिए, क्योंकि हमारे RBC जो है उसके मेच्योर होने के लिए इंपॉर्टेंट विटामिन है। और अब ये जो है एक्चुअल में किससे बनता है, तो देखो लैक्टोबैसिलस है ना एसिडोफिलस, ये एक्चुअल में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है, जिसका काम क्या होता है, ये क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है मिल्क को किसके अंदर, कर्ड के अंदर कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। इनको हम LAB लैब जो है ना वो भी बोलते हैं, लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड बैक्टीरियाज भी बोलते हैं। अब ये जो है लैक्टोबैसिलस जो होते हैं ये प्रोड्यूस करते हैं एसिड को, लैक्टिक एसिड को, ठीक है। और एक्चुअल में ये क्या करते हैं, ये एक्चुअल मिल्क की जो प्रोटीन होती है उसको लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। अब ये जो है ये इनका काम क्या है, विटामिन B12 जो है ये इंक्रीज हो गया, हमें बोले स्टोमक के अंदर अनदर जो दूसरे पैथोजेंस हैं उनको किल करने का काम भी कर रहे हैं, हमारे डाइजेशन को इंक्रीज कर रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आ गया है, ठीक है। बेकर्स ईस्ट के अंदर अगर हम देखें सेकेरोमाइसिस सर्विसी, ये बहुत बार बहुत जगह नाम यूज में आया है। ये क्या करते हैं, फर्मेंटेशन प्रोसेस करते हैं। यीस्ट का नॉर्मल नेचुरल जो हम बोलते हैं रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है उसमें होता क्या है कि पायरूबिक एसिड जो होता है उसको एनएरोबिक एनवायरनमेंट के अंदर वो क्या होता है, हम बोलते हैं इथेनॉल के अंदर और उसके साथ में कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर जो होता है उसका ब्रेक डाउन हो जाता है, एनएरोबिकली बोल रहे हैं, इसका मतलब ऑक्सीजन की अब्सेंस के अंदर, ठीक है। तो रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है उसको रिलीज करते हैं, कौन, यीस्ट, ठीक है। तो ईस्ट का जो ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन है इसी को यूज में लिया जाता है। ईस्ट को जो है वो हम जब आटे के साथ में गूंथते हैं तो एक्चुअल में वो रेस्पिरेशन करते हैं, नेचुरली एनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं जिसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, और कार्बन डाइऑक्साइड जब निकलती है
तो वो छोटे छोटे बुलबुले जो होते हैं उसके फॉर्म में, वो स्पंज जैसा जो आटा होता है वो बड़ा स्पंजी हो जाता है। तो इसका यूज हम क्या करते हैं, केक बनाने में कर लेते हैं, ब्रेड बनाने में कर लेते हैं, और पिज्जा वगैरह का डो वगैरह जो होता है उसको बनाने में कर लेते हैं। तो बिल्कुल बेकिंग जो इंडस्ट्री है उसके अंदर यीस्ट जो है सैक्रोमाइसिस सर्विसी इसका यूज किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा बिल्कुल आप जानते हैं कि अल्कोहल फॉर्मेशन में भी होता ही है इसका, तो वो इंडस्ट्रियल हो गया। लेकिन अगर हम नॉर्मली अगर हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में बात करें तो हम बोल रहे हैं फर्मेंटेशन, डो का फर्मेंटेशन करने में यूज में लेते हैं, ठीक है। फिर है प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी जो होता है, ये एक्चुअल में क्या करते हैं, ये जो वो स्विस चीज जो होती है उसके अंदर वो जो बड़े बड़े से जो साइज में जो उसके अंदर होल होते हैं उसका रीजन क्या है, उनमें इनका जो ये आपका हम बोल रहे हैं कि प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी है जो ये एक्चुअल में CO2 प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से स्विस चीज जो होती है उसके अंदर वो बड़े बड़े होल हो जाते हैं। तो ये हाउस होल्ड में यूज आने वाले माइक्रोब्स हैं और ये बड़े ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके NCERT आपको देती है, ऑब्वियस ही बात है उन्हीं के बारे में आपसे क्वेश्चन करेगी। ऐसे तो हमारे पास में बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, अगर हम देखेंगे कहीं भी आप गूगल करिए या फिर आपके कुछ मॉड्यूल्स वगैरह में भी बहुत लंबी लंबी लिस्ट दी होगी, बट हमें उनसे मतलब नहीं है, जो हमारी NCERT देती है हमें सिर्फ उतने ही याद करने हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद में आ जाते हैं माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। इसमें सबसे पहला नाम जो आता है वो सैक्रोमाइसिस सर्विसी का आता है क्योंकि ये अल्कोहल फॉर्मेशन में आती है, ठीक है। अगर उस वही वाइन वगैरह अगर बनानी हो या फिर हम बोलते हैं कि बियर वगैरह बनानी हो तो हम ये सभी जो प्रोसेस होते हैं यानी अल्कोहल फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है वो किसके थ्रू होता है, वो सैक्रोमाइसिस सर्विसी के थ्रू होता है। तो इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अल्कोहल इंडस्ट्रीज के अंदर इसका यूज आता है, ठीक है। तो पहला तो हो गया हमारा माइक्रोब सैक्रोमाइसिस सर्विसी। सेकेंड आ जाता है जैसे कि पेनिसिलिन जो है वो हमें एक हम बोलते हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एक हम मोल्ड जो होती है पेनिसिलियम नोटेटम इससे जो है उसको प्राप्त किया था। ये एक्चुअल में एज ए एंटीबायोटिक होती है, वैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जो है इसको इसका यूज बहुत ज्यादा किया गया था। जो एक्चुअल में है क्या, ये एज एंटीबायोटिक है सबसे। पेनिसिलिन एक्चुअल में करती क्या है कि जो बैक्टीरियाज होते हैं उनकी जो सेल वॉल फॉर्म हो रही होती है तो उसको सेल वॉल को फॉर्म नहीं होने देते, ठीक है। तो पेनिसिलिन इस तरह से बैक्टीरियाज जो होते हैं उनको किल कर देती है। तो ये एज ए एंटीबायोटिक होती है बट मिलती किससे, फंजाई से मिलती है, मोल्ड से मिलती है, पेनिसिलिन नोटेटम से ये जो है वो मिलती है, ठीक है। तो वैसे इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ये एक्चुअल में कल्चर कर रहे थे किसका, स्टेफाइलोकोकाई का। तो जहां पे स्टेफाइलोकोकाई ग्रो नहीं की वहां पेनिसिलियम नोटेटम जो है ना वो ग्रो कर रही थी। रीजन क्या था, पेनिसिलियम नोटेटम जो है वो रिलीज करती है ये मोल्ड जो है ना, ये किसको बाहर रिलीज कर रहा है, ये पेनिसिलिन को रिलीज कर रहा है जो एक एंटीबायोटिक होती है जो स्टेफाइलोकोकाई को ग्रो नहीं होने देती, ठीक है। एक्चुअल में करती क्या है, वो पेप्टिडोग्लाइकेन की जो सेल वॉल होती है उसको फॉर्म नहीं होने देती है, ठीक है। तो इस वजह से बैक्टीरियाज जो है वो ग्रो नहीं कर पाते। तो एंटीबायोटिक हमें प्राप्त हो रही है किससे, फंजाई से। फिर देखिए एस्परजिलस नाइग्रम फंजाई जो होती है इससे हमें सिट्रिक एसिड जो है वो मिलता है। सिट्रिक एसिड नेचुरली बिल्कुल आप जानते हैं कि कुछ वेजिटेबल्स में भी प्रेजेंट होता है बट नेचुरली इंडस्ट्रीज के फॉर्म में अगर हम देखें तो इसको प्राप्त किया जाता है किससे, फंजाई से। कौन सी, एस्परजिलस नाइग्रम से, ठीक, नाइगर से। फिर एसिटोबैक्टर एसिटी इससे हमें एसिटिक एसिड जो है ना वो मिलता है, एसिटिक एसिड। इसके अलावा ब्यूटायरिक एसिड जो है वो किससे मिलता है, क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, ठीक है, उससे हमें ब्यूटायरिक एसिड जो है वो मिलता है। लैक्टिक एसिड आप जानते हैं लैक्टोबैसिलस से लैक्टिक एसिड मिलता है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी बैक्टीरिया एंड फंजाई है जिनसे हमें कुछ एसिड जो है वो मिलते हैं जिनका यूज जो है इंडस्ट्रीज में होता है एसिटिक एसिड प्राप्त करने में, सिट्रिक एसिड में, ब्यूटायरिक एसिड में, लैक्टिक एसिड के अंदर, ठीक है। अब आप जानते हैं लाइपेज, लाइपेज एंजाइम जो है एक्चुअल में ये डिटर्जेंट फॉर्मूला होता है, ये जो भी कपड़ों से तेल दाग धब्बे छुड़ाने के अंदर उसके अंदर हम जो है ना इसको यूज में लेते हैं। इसके अलावा कुछ अनदर एंजाइम और भी हैं जिनको भी हम क्या करते हैं कुछ बैक्टीरिया से प्राप्त करते हैं, जैसे कि हमारे पास में आ जाता है पेक्टिनेज या फिर प्रोटीज। ये वही है हम बोलते हैं कि जो जो जूस वगैरह जो होते हैं ना बॉटल में आते हैं तो उनको क्लियर ट्रांसपेरेंट करने में बड़ा खूबसूरत सा बनाने के अंदर यूज में लिए जाते हैं। कुछ और है जैसे कि स्ट्रेप्टोकाइनेज है, ये क्या है, ये एक्चुअल में स्ट्रेप्टोकोकस जो है उससे हमें मिलता है, इस बैक्टीरिया से मिलता है। और ये जो है क्लॉट ब्लस्टर होता है, क्लॉट जो जम जाते हैं ना उसको तोड़ने में, ब्रेक करने के अंदर है ना, उसको रिमूव करने के अंदर यूज में आता है। तो वेसल्स के अंदर अगर कोई क्लॉट फॉर्म हो गया तो उसको रिमूव करने के अंदर जो है स्ट्रेप्टोकाइनेज को यूज किया जाता है जो एक्चुअल में स्ट्रेप्टोकोकस जो होता है उससे मिलता है, ठीक है। तो ये याद करने के लिए बच्चा, देखो सारे के सारे लर्निंग है आपको, ये सब याद करने पड़ेंगे। अब यहाँ पे आप याद करने के लिए कुछ भी अपनी तरीके से ट्रिक लगा सकते हो। अब जैसे एस्परजिलस नाइगर, एस्परजिलस जो है
उससे हमें सिट्रिक एसिड मिलता है। अब एसिटोबैक्टर एसिटी, एसिटी से ही समझ में आ जाता है कि इससे हमें एसिटिक एसिड मिल रहा है। ब्यूटाइलिकम इसकी स्पीशीज के जो नेम है उसी से हमें पता चल जाता है कि ब्यूटाइलिक एसिड मिलता है। लैक्टोबैसिलस नेम से ही हमें पता चल जाता है कि इससे हमें लैक्टिक एसिड मिलता है। तो बड़ा क्लियर ही है, इनके नेमिंग से ही हम पहचान पाते हैं कि ये किस चीज को प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। इसी के अलावा अगर अनदर अगर हम लोग देखेंगे, जैसे साइक्लोस्पोरिन ए, ये जो है हमें मिलता है किससे, ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा से जो है ना ये हमें क्या मिलता है, साइक्लोस्पोरिन ए जो है वो हमें मिलता है। ये एक्चुअल में क्या है, ये एक इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट है, ठीक है। जब ऑर्गेन ट्रांसप्लांटेशन करता है तो उस टाइम पे हमारे इम्यून सिस्टम को थोड़ा सा सप्रेस कर देता है। रीजन ये होता है क्योंकि हमारी बॉडी जो होती है वो उसको एज ए एंटीजन ना मान ले और उसको एक्सेप्ट ना करे। तो ग्राफ्टिंग जब करते हैं या कोई ऑर्गन जो उसको ग्राफ्ट करते हैं या उसको जब उसका ट्रांसप्लांटेशन हो रहा होता है तो हमारे इम्यून सिस्टम को थोड़ा सा सप्रेस किया जाता है ताकि वो उसके अंदर उस हमारी बॉडी का एक पार्ट बन सके और उसको फॉरेन एंटीजन ना माने हमारी बॉडी, क्योंकि इम्यून सिस्टम अगर स्ट्रांग होता है उस कंडीशन के तो हो सकता है मे बी वो उस ग्राफ्ट को रिजेक्ट कर दे। तो वो रिजेक्शन को रोकने के लिए साइक्लोस्पोरिन ए जो है उसको दिया जाता है, जो ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम जो है उससे प्राप्त किया जाता है। तो ये इंडस्ट्रियल इसका क्या हो गया, यूज हो गया। इसके अलावा स्टेटिन, स्टेटिन को जो है वो मोनास्कस, मोनास्कस परपुरियस जो है ईस्ट से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। अब इसका यूज क्या है, इसका यूज होता है ब्लड कोलेस्ट्रॉल जो होता है उसको कम करने के अंदर इसका यूज में लिया जाता है, ठीक है। तो ये स्टेटिन जो है इसको ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में यूज में लेते हैं। तो ये इंडस्ट्रियल इनका क्या हो गया, यूज हो गया। इसके अलावा आ जाता है कि माइक्रोब्स का सीवेज ट्रीटमेंट जो करना होता है उसके अंदर भी इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। आप जानते हैं कि म्युनिसिपल पार्टी का जो वेस्ट वाटर आता है उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, हम ये बोलते हैं कि उसके अंदर बहुत ज्यादा क्वांटिटी के अंदर ऑर्गेनिक मैटर भी होता है और माइक्रोब्स भी होते हैं, ठीक है ना। अब इनको क्या करना होता है, इस वेस्ट वाटर को ट्रीट करना होता है। अब इसको ट्रीट जो है हम किससे करते हैं, इसको ट्रीट हम हिटरोट्रॉफिक माइक्रोब्स से करते हैं, नेचुरली प्रेजेंट होते हैं जो कि सीवेज के अंदर। तो उससे हम क्या करते हैं, इसको ट्रीट करते हैं ताकि वाटर जो है प्योर हो सके और जो वाटर है उसका रीयूज हो सके खेती वगैरह के अंदर, क्रॉप जो है उनके डेवलपमेंट के लिए इसका यूज कर सकें। तो सीवेज के ट्रीटमेंट के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स जो होते हैं वो लगाए जाते हैं, ठीक है। और इसका मेन रोल, मेन रीजन क्या है कि ये पॉल्यूशन जो है वो कम से कम हो सके। अब ये दो स्टेज के अंदर होता है, वो दोनों स्टेजेस क्या है, देखिए सबसे पहले क्या होता है, क्योंकि जो सीवेज का गंदा पानी होता है उसके अंदर बहुत ज्यादा क्वांटिटी के अंदर हम बोलते हैं लार्ज साइज के अंदर हम बोलते हैं कि फालतू का कचरा होता है, उस कचरे को हटाना बहुत जरूरी है। तो उस कचरे को हटाया कैसे जा सकता है, जो डेब्रीज होती है उसको, फ्लोटिंग जो डेब्रीज होती है उनको रिमूव करने के लिए हम सबसे पहले फिल्टरेशन करते हैं। फिल्टरेशन करने के बाद में हम उसका सेडिमेंटेशन कहते हैं, जिसकी वजह से ग्रिट जो होती है वो रिमूव हो जाती है, ठीक है। तो फर्स्ट हमने उसका फिल्टरेशन किया, देन उसका हमने क्या किया, सेडिमेंटेशन किया। सेडिमेंटेशन का मतलब वही होता है जिसकी ज्यादा, जिसका हम बोलते हैं डेंसिटी होती है वो नीचे बैठ जाते हैं और जिसकी कम डेंसिटी होती है वो ऊपर आ जाता है। तो लार्ज डेंसिटी में जो ग्रिट है वो नीचे बैठ जाएगी तो उसको हम क्या कर देंगे, सेपरेट कर देंगे, ठीक है। तो फिल्टरेशन एंड सेडिमेंटेशन के थ्रू हम इसका प्राइमरी ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये तो क्या हो गया, इसका फर्स्ट स्टेप आ गया। सेकेंड स्टेप के अंदर हमारे पास में दो है, सबसे पहले हम इसका क्या करते हैं, एरोबिक माइक्रोब्स जो होते हैं उनसे ट्रीट करते हैं, देन एनएरोबिक माइक्रोब्स जो होते हैं उनसे ट्रीटमेंट करते हैं। इसके दोनों को मिलाकर ही हम क्या बोले, सेकेंडरी ट्रीटमेंट बोल रहे हैं। जो एनएरोबिक जो है ट्रीटमेंट वो बाद में किया जाता है, पहले एरोबिक जो माइक्रोब्स होते हैं उनसे ट्रीटमेंट किया जाता है। तो एक्चुअल में क्या करते हैं, वही प्राइमरी स्लज हमें मिल गया, वही सॉलिड जितने भी सेटल डाउन हो गए उनको तो हमने क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। प्राइम हमारा जो सुपरनेडेंट था उसको हमने लिया, सुपरनेडेंट जो है उसको हमने एक टैंक में ऐड करते हैं। इस टैंक के अंदर हम बोल रहे हैं एरेशन, एरेशन टैंक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसके अंदर एयर की सप्लाई भी होती है। एयर की सप्लाई इसलिए ताकि एरोबिक माइक्रोब्स जो है, ऑर्गेनिक जो भी इसमें मैटर प्रेजेंट है उसको क्या कर सके, उसका डिग्रेडेशन कर सके, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या किया जाता है कि इसके अंदर कंटिन्यू एयर जो है उसकी सप्लाई रहती है और इसके साथ में इसके अंदर फॉर्मेशन जो होता है वो फ्लॉक का किया जाता है। फ्लॉक एक्चुअल में है क्या, ये एक्चुअल में एरोबिक माइक्रोब्स होते हैं, फंजाई प्लस बैक्टीरियाज होते हैं जो एक्चुअल में उसके अंदर प्रेजेंट जो भी ऑर्गेनिक मैटर है उन सबका डाइजेशन कर देता है। और एक्चुअल में इस वजह से क्या होता है, बीओडी लेवल जो होता है उसका, वो बीओडी लेवल जो होता है वो डिक्रीज किया जाता है। बीओडी होता क्या है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो एक्चुअल में हम ये बोल रहे हैं बढ़ती तब है जब जितना गंदा पानी होगा, ठीक है। जितना पॉल्यूटेड वाटर होगा, जितना गंदा पानी होगा तब बीओडी लेवल ज्यादा होता है। बीओडी लेवल को कम करने का मतलब ये हो गया कि उसके अंदर प्रेजेंट जितना भी हम ये बोल रहे हैं ऑर्गेनिक मैटर वो डाइजेस्ट हो गया तो वहां पे ऑक्सीजन डिमांड जो होती है वो कम हो जाती है, ठीक है। तो हम इसको पहले उससे एरोबिक माइक्रोब्स जो है उनसे ट्रीट करते हैं और इससे उसके बीओडी लेवल को कम करते हैं, ठीक है।
फिर उसके बाद में इसको लार्ज टैंक जो होता है उस लार्ज टैंक के अंदर इसको पंप कर देते हैं जहां पे एनएरोबिक बैक्टीरियाज होते हैं। एनएरोबिक बैक्टीरियाज जो होते हैं वो क्या करते हैं, डाइजेशन करते हैं, और डाइजेशन की वजह से बायोगैसेस जो है उनको फॉर्म करते हैं। और वो बायोगैसेस कौन कौन सी है, मीथेन है, H2SN, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। अब जब यहाँ पे क्या होता है, इनका डाइजेशन हो जाता है, बाकी जितने भी हम बोल रहे हैं ऑर्गेनिक जो कंपोनेंट है उसके, तो रिलीज हो जाता है वाटर, और वो वाटर जो होता है नेचुरल, हम ये बोल रहे हैं कि क्रॉपिंग में और उन चीजों में यूज किया जाता है क्योंकि वो प्योर वाटर, हम ये बोलते हैं कि वो साफ पानी होता है, ठीक है, तो पोल्यूटेड वाटर वो नहीं है। बट यहाँ पे सेकेंडरी ट्रीटमेंट के अंदर एनएरोबिक जो ट्रीटमेंट हमने किया, एरोबिक जो ट्रीटमेंट किया है, तो उसमें से कुछ पोर्शन वापस में वापस इसी टैंक के अंदर रोटेट कर दिया जाता है। रीजन यही होता है कि ताकि बीओडी लेवल जो है उसका कम से बहुत ही ज्यादा कम किया जाए, रिड्यूस किया जाए, ताकि उसमें प्रेजेंट जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है वो डाइजेस्ट हो जाए। तो ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेशन के लिए एरोबिक माइक्रोब से ट्रीटमेंट जो है वो चलता रहता है इसके अंदर कंटिन्यू, और कुछ मेजर पार्ट जो होता है वो लार्ज जो हम बोलते हैं टैंक के अंदर, उसके अंदर उसको ऐड कर दिया जाता है जहां पे एनएरोबिक उसका ट्रीटमेंट होता है, जहां बायोगैसेस जो है वो फॉर्म होती है, और जो भी साफ पानी है उसको नेचुरल जो भी वाटर बॉडीज होती है उसके अंदर रिलीज कर दिया जाता है। तो माइक्रोब्स के थ्रू सीवेज ट्रीटमेंट दिया जाता है ताकि पोल्यूशन कम से कम हो, ठीक है। अब वहीं पे बीओडी होता क्या है, बीओडी किसको बोलते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कई बार क्वेश्चन पूछते हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का मतलब क्या हो गया, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड बाय बैक्टीरिया टू ऑक्सीडाइज ऑल ऑर्गेनिक मैटर इन 1 लीटर ऑफ वॉटर, इट इज मेजर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द वॉटर, इज नोन एज बीओडी। देखिए, जितना ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा माइक्रोब्स को उनके डाइजेशन के लिए, उनको ट्रीट करने के लिए, उतनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, बीओडी उसकी क्या, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है, ज्यादा है, ठीक है। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड डाइजेस्ट होता गया, वो धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, तो जितना कम हो जाएगा तो माइक्रोब्स को उतनी ही ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट क्या होगी, कम होगी, क्योंकि कम ऑर्गेनिक कंपाउंड है। यानी वाटर के अंदर अगर ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा है, बीओडी लेवल ज्यादा है, इट मीन्स उसके अंदर माइक्रोब्स ज्यादा है, और वो माइक्रोब्स कर क्या रहे हैं, वहां पे प्रेजेंट ऑर्गेनिक मैटर जो उसको डाइजेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो वाटर की वाटर जो है वो कैसा है, इम्प्योर है, अगर बीओडी ज्यादा है। बीओडी कम है इसका मतलब ऑर्गेनिक मैटर कम है, माइक्रोब्स जो है वो डेवलप भी वहां पे कम हुए हैं, और इस वजह से हम क्या बोल रहे हैं कि बीओडी जो है वो उसकी क्या होती है, कम होती है, ठीक है। तो बीओडी जो लेवल है वो क्या होगा, कम होगा। तो पॉल्यूशेंट जो पोटेंशियल होता है उसको मेजर करने के लिए बीओडी जो होता है वो देखा जाता है, ठीक है। तो ग्रेटर होगी अगर बीओडी, तो वाटर जो है वो भी वो पोल्यूटेड क्या होगा, ज्यादा होगा। बीओडी कम होगा तो वाटर में पोल्यूशन या पोल्यूटेंट जो है उनकी क्वांटिटी क्या होगी, कम होगी। द एरोबिक माइक्रोब्स कंज्यूम द मेजर पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर इन द इन्फ्लुएंट, दिस रिड्यूस द बीओडी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ द इन्फ्लुएंट, ठीक है। तो वो जितना ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम कर लेंगे तो ऑक्सीजन डिमांड उतनी ही कम हो जाएगी, ठीक है। इसी चीज का यूज किया जा रहा है कहां पे, गंगा एक्शन प्लान के अंदर और यमुना एक्शन प्लान के अंदर, उनको क्लीन करने के लिए, वाटर पोल्यूशन को रोकने के लिए इसी को यूज में लिया जा रहा है। और वहां पे बीओडी लेवल क्या है, ज्यादा है, तभी तो हम क्या बोल रहे हैं कि गंगा मैली हो गई है ना, इसीलिए तो बोल रहे हैं क्योंकि वहां पे बीओडी लेवल बढ़ रहा है। चलिए, माइक्रोब्स इन द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैसेस, बायोगैसेस के प्रोडक्शन के अंदर आप जानते हैं बायोगैसेस के प्रोडक्शन के लिए कई बड़े बड़े लाइफ साइज में टैंक लगाए जाते हैं, जहां पे माइक्रोब्स क्या करते हैं, वही माइक्रोब्स जो नेचुरल गैस जो है आपकी मीथेन उसको प्रोड्यूस करते हैं, उनका ट्रीटमेंट दिया जाता है, ठीक है। तो मिक्सचर ऑफ गैसेस मेनली मीथेन प्रोड्यूस बाय द माइक्रोबियल एक्टिविटी, द बायोगैस इज यूज फॉर द कुकिंग एंड लाइटनिंग। आप जानते हैं बायोगैस का यूज जो है फिर किसके फॉर्म में किया जाता है, फ्यूल के फॉर्म में किया जाता है, जिसके थ्रू लाइट्स जो है वो जलाई जा सके, या फिर हमें वो लाइटिंग की जा सकती है, या फिर कुकिंग की जा सके, ठीक है। तो मिथेनोजन बैक्टीरिया जो होते हैं जो एनएरोबिकली ग्रो करते हैं, और वो एनएरोबिकली किसका डाइजेशन कर रहे हैं, वो सेलुलोज का, सेलुलोजिक मटेरियल जो होता है उसका क्या करते हैं, डाइजेशन करते हैं, हम ये बोल रहे हैं कि उसका ब्रेकडाउन करते हैं, जिसकी वजह से मीथेन जो होती है वो प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो ये मेन हमारे इंपॉर्टेंट हो गए, सबसे पहले मिथेनोजन बैक्टीरिया जिनका यूज किया जाता है बायोगैस के प्रोडक्शन के अंदर, मिथेनो बैक्टीरियम। इसके बाद में आ जाते हैं मिथेनो बैक्टीरियम जो कि एनरोबिकली कोई भी स्लज है या फिर कैटल का जो हम बोल रहे जो रूमन होता है, रूमन उनके डाइजेस्टिव सिस्टम का एक बहुत बड़ा लार्ज साइज
थैला जैसा होता है जिसके अंदर सेलुलोज के डाइजेशन के लिए मिथेनोजन बैक्टीरिया रहते हैं जो सेलुलोज का डाइजेशन करते हैं, बट वहां पे मिथेन प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो सेलुलोज के डाइजेशन के लिए वहां पे ये मिथेनो बैक्टीरिया जो है प्रेजेंट रहते हैं। तो आप कैटल की जो भी जो जितने भी हम ये बोलते हैं ना जो डंज होती है, उस डंज के अंदर इन बैक्टीरिया की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है ना। और डंज कैन बी यूज फॉर द जनरेशन ऑफ बायोगैस, गोबर गैस बनाने के अंदर इसी का यूज किया जाता है, क्योंकि आप जानते हैं जो हमारी कैटल्स होती हैं वो कुक्ड फूड को नहीं खा रही हैं, वो क्या करती है डायरेक्टली फूड को प्लांट्स जो है उनको लेती है, तो सेलुलोज उनमें जाता है, और सेलुलोज जब उनमें जाता है तो उसके डाइजेशन के लिए वहाँ पे माइक्रोब्स प्रेजेंट रहते हैं। और उसके अलावा जो गोबर होता है उनका, यानी कि जो डंज होता है उसके अंदर भी वही सेलुलोज प्रेजेंट है, तो उसका डाइजेशन करके बायोगैस जो है उसको फॉर्म किया जा सकता है, और बायोगैस को हम इस तरह से फॉर्म करके एंड देन फिर हम उसको फ्यूल के फॉर्म में यूज ले सकते हैं, ठीक है। तो माइक्रोब्स का यूज बायोगैस के फॉर्मेशन में किया जाता है। कौन से बैक्टीरिया है? ये मिथेनोजन बैक्टीरिया, ये आर्की बैक्टीरिया है, ये भी आप याद रखिए, ठीक है। तो देखिए बायोगैस प्लांट जो होता है उसमें क्या क्या होता है, उसमें कई सारे हम ये बोलते हैं, उसमें क्या होता है कि टैंक होता है बहुत बड़ा लार्ज साइज के अंदर, जिसके अंदर बायो वेस्ट जो भी होता है गोबर वगैरह या फिर कोई भी डंग जो इतना भी होता है उसको हम क्या करते हैं इसके अंदर इकट्ठा करते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर इसको हम क्या करते हैं, उसको स्लरी जो होती है उसके अंदर हम इसको रखते हैं, और फिर इसके अंदर कुछ माइक्रोब्स जो होते हैं उसका इसके अंदर डेवलपमेंट करवाते हैं, ठीक है। जब हम इसके माइक्रोब्स के अंदर जब हम इसका डेवलपमेंट करवाते हैं तो वो क्या करते हैं डाइजेशन कर देते हैं उसमें प्रेजेंट सेलुलोज का, जिसकी वजह से गैसेस जो होती है बायोगैसेस उनका फॉर्मेशन होता है। अब जानते हैं बायोगैस कौन सी है, भाई मीथेन है, मीथेन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2S जो है वो यहाँ पे फॉर्म होती है, और जिसका यूज किया जाता है फ्यूल के फॉर्म में, ठीक है। और ये वही डन वाटर है जो कि कलेक्ट हो जाता है अलग, ठीक है। द अदर आउटलेट रिमूव द स्पेंट स्लरी यूज फॉर फर्टिलाइज, जो स्लज है हम बोलते हैं ना खाद बनाने के अंदर हम खाद के रूप में उसका यूज किया जाता है, और फिर हम प्लांट के अंदर खाद वगैरह देने के अंदर हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट खाड़ी, ठीक है, वो इसको यूज में लेती है। एंड इसके अलावा अनदर जो है वो आपका है डेवलप टीचिंग नॉलेज ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन इन इंडिया, ये जो है एक्चुअल में बायोगैस का जो प्रोडक्शन है उसके बारे में नॉलेज सब जगह फैला रही है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, क्योंकि एग्रीकल्चर के फील्ड के अंदर बायोगैस जो है उसका फॉर्मेशन होता है, बट इसके थ्रू खाद बनाई जाती है जो क्रॉप के हम बोलते हैं कि प्रोडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कौन है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड इसके अलावा विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन KVI, खाड़ी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन KVIC जो है वो भी इसके अंदर क्या कर रही है नॉलेज दे रही है सबको इस टेक्निक के बारे में, ठीक है। माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट, कुछ दूसरे ऐसे एजेंट्स हैं जो फसलों को खराब करते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए माइक्रोब्स का यूज होता है, जो क्या करते हैं प्लांट्स के अंदर डिजीज एंड पेस्ट जो है उसको कंट्रोल करते हैं, जैसे कि बैसिलस थ्रेनजेनेसिस, ये बैक्टीरिया जो है ये कंट्रोल करते हैं किसको, बटरफ्लाई एंड कैटरपिलर्स को। इसके अलावा ट्राइकोडर्मा जो है फ्री लिविंग फंजाई है, ये क्या करती है कुछ प्लांट पैथोजन जो है उनको कंट्रोल कर रही है। इसके अलावा न्यूक्लियोपॉली आप याद कर सकते हैं, न्यूक्लियोपॉली हेड्रो वायरस जो है ये क्या करता है कुछ इंसेक्ट्स और ऑर्थोपोड्स जो है उनको अटैक करता है और उनको किल करने में हेल्प करता है। तो ये कुछ माइक्रोब्स है जो बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में काम आ रहे हैं। बायो फर्टिलाइजर, कुछ ऐसे माइक्रोब्स भी हैं जो सॉइल की फर्टिलिटी जो होती है उसको इंक्रीज करते हैं, कुछ बैक्टीरिया कुछ फंजाई साइनोबैक्टीरिया जो न्यूट्रिटिव कंटेंट होते हैं उसको इंक्रीज कर देते हैं सॉइल में, तो वो भी क्या है इंपॉर्टेंट है, जैसे कि सबसे पहले आ जाते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। राइजोबियम जो है वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहता है किसके अंदर, लेग्यूमिनेसी फैमिली के अंदर, और वो वहां पे क्या करते हैं एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं और जिसको यूज करता है लेग्यूमिनेसी प्लांट, ठीक है। उसी के साथ में क्या होता है कि पूरी की पूरी नाइट्रोजन जो वो तो यूज नहीं आती है, तो सॉइल के अंदर नाइट्रोजन की क्वांटिटी बढ़ जाती है, तो क्रॉपिंग में ऐसा किया जाता है कि अल्टरनेट क्रॉप जो है ग्रो की जाती है, कभी लेग्यूमिनेसी की फैमिली की एंड देन सेकेंड क्रॉप किसी और क्रॉप जो प्लांट है उसकी जो है वहां पे ग्रो की जाती है। अब इसके अंदर देखो फ्री कई और भी हैं बैक्टीरिया जो फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, जैसे कि ये एजोस्पाइरोलम आ जाता है, एजिटोबैक्टर आ जाता है, और इसका जो यूज है वही फर्टिलाइजर के फॉर्म में और सॉइल के अंदर न्यूट्रिटिव क्वांटिटी को इंक्रीज करने में किया जाता है। माइकोराइजा में अगर देखें तो माइकोराइजा प्लांट के साथ में सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है फंजाई का, उसको बोलते हैं। ये एक्चुअल में करता क्या है कि ये एक तो सॉइल के अंदर हम ये बोल रहे हैं कि जो फॉस्फोरस होता है उसको क्या करता है अब्जॉर्ब करता है और प्लांट को प्रोवाइड करता है, तो फॉस्फोरस प्रोवाइड करने का काम करता है, वाटर जो होता है उसको भी अब्जॉर्ब करके प्लांट को देने का काम करता है, यानी माइकोराइजा प्लांट के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए मस्ट होते हैं रिक्वायर्ड होते हैं। तो ग्लोमस जीनस की कई जो हम बोल रहे हैं मेंबर्स जो होते हैं ये माइकोराइजा का जीनस है,
जो है जो ये काम जो है वो करते हैं, ठीक है। अब ये करते क्या क्या है, एक तो ये रेसिस्टेंस ही वही करते हैं, डेवलप करते हैं रेसिस्टेंट टू रूट बॉर्न पैथोजन, जो भी रूट के थ्रू होने वाली जो पैथोजन है उनको कंट्रोल करने का काम कर रहे हैं। टॉलरेंस बढ़ा देते हैं सेलिनिटी के अंदर, मतलब कोई अगर सेलाइन एनवायरमेंट है, सॉल्टी एनवायरमेंट, तो उसके अंदर उसकी टॉलरेंस को इंक्रीज कर देते हैं। सूखा है तो उसके अंदर टॉलरेंस को इंक्रीज कर देते हैं, क्योंकि वाटर को अवेलेबल करवाते हैं ये। ओवरऑल इंक्रीज इन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है, तो प्लांट की जो ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है उसके अंदर मेजर पार्ट होता है माइक्रोराइजा का। साइनोबैक्टीरिया जो है ये भी क्या कर रहे हैं, नाइट्रोजन फिक्स करने का काम कर रहे हैं, नोस्टोगेन एनाबिना, ये एक्चुअल में वही पेडीफिल्ड जो होते हैं उसके अंदर इंपॉर्टेंट होते हैं, बायो फर्टिलाइजर होते हैं, जो कि क्या करते हैं सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने का काम करते हैं। इसके अलावा और भी है ओसिलेटोरिया जो है वो भी बायो फर्टिलाइजर की तरह काम में आता है, जो कि एक साइनोबैक्टीरिया है, ठीक है। तो ये कुछ माइक्रोब्स हैं जो एज ए बायो फर्टिलाइजर काम में आते हैं। तो वो छोटा सा टॉपिक है ये पूरा चैप्टर, मेरे ख्याल से अगर आप लोग कॉन्सेंट्रेट होके अगर इसको याद करें तो बहुत कम चीज़ें हैं जो आपको याद करनी पड़ेगी, और बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत सीधे सीधे बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं इनमें, मैच द कॉलम के फॉर्म में या फिर डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। तो ये चैप्टर में आज इतना ही है आप लोगों के पढ़ने के लिए, फिर इसके बाद में आ जाते हैं कुछ फॉलोअप क्वेश्चंस। आपको इन फॉलोअप क्वेश्चंस के आंसर मुझे देने हैं कमेंट सेक्शन के अंदर, बड़े सिंपल है, वही फॉलोअप जो भी आपके लिस्ट होती है दो, उन लिस्ट को मैच करने के लिए कुछ इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, मैच द कॉलम, कुछ डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, और कुछ जो क्वेश्चंस हैं डायग्रामेटिकली भी इनमें से बनते नहीं है वैसे, इसमें से एक हमारे पास में बायो उसका बायोगैस फॉर्मेशन करने के लिए एक जो है ना प्लांट का ही डायग्राम है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में पूछ लिया जाता है। तो ये हमारे कुछ और फॉलोअप क्वेश्चंस हैं, इनका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिनका आंसर मुझे आपको कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट डे मिलेंगे, लास्ट डे मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।